We will discuss class 6th integers chapter. वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. इसमें हम जैसे कि हमने नंबर सिस्टम के बारे में बहुत से नंबर्स के बारे में स्टडी किया है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम, कंपोजिट, इवन, ओड. ऐसे ही हमारी एक टाइप के नंबर आते हैं इंटीजर्स. सो जब हम इंटीजर्स के बारे में स्टडी करेंगे, हम स्टडी करेंगे कि वॉट आर नेगेटिव नंबर्स, वॉट आर पॉजिटिव नंबर्स. ओके, सो इसमें हम इनके सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में स्टडी करते हैं. ओके, सो हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर नंबर्स. ओके, एंड इनके साइंस के बारे में हम स्टडी करते हैं और इनका यूटिलिटी क्या है. अगर हम इनको डेली लाइफ में देखें तो डेली लाइफ में हमारे इंटीजर्स कहाँ यूज़ हो रहे हैं. सो हम इसमें ये स्टडी करेंगे. ओके, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट टेबल. वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. ये देखिए, इंटीजर्स के बारे में हमने बेसिक सी डेफिनेशन करनी है. ओके, सो दे आर इंटीजर्स. क्लियर? यस. ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है, दैट इज अगेन इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वन. जब आपको एक बार इसकी समझ में आ जाती है, आपको समझ में आ जाएगा कि इंटीजर्स क्या हैं. ओके, इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इंटीजर्स की और नंबर लाइन. वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन हम अपने क्लासेस में देखते हैं. हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे से करते हैं. ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, कैसे हम कंपैरिजन करेंगे इंटीजर्स के बारे में. ये देखिए कंपैरिजन. ओके, सो जब हमें कॉन्सेप्ट का पता है इंटीजर्स का, तब हम ये सब क्वेश्चन को बहुत ही ईजी वे से कर सकते हैं. एक्सरसाइज 6.1 इज़ वेरी बेसिक. आपको अपोजिट लिखना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन जर्नली आ ही जाते हैं. ओके, इसके बाद हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है. ये नंबर लाइन आपको दी हुई है, वर्टिकल नंबर लाइन दी हुई है. देन आपको नंबर लाइन पर ही रिप्रेजेंट करना है इंटीजर्स को. ओके, देन हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है जी. इसके बाद में हमारे पास आता है फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि एक नंबर लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन. ओके, इसमें केस स्टडीज रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, 2-3 मार्क्स में भी क्वेश्चन. सो ये चैप्टर इतना वर्सेटाइल है, आपको 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, 4 मार्क में ये क्वेश्चंस बहुत से मिल जाएंगे. ओके, यस, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन. उसके बाद जैसे हमने इंटीजर्स के बारे में स्टडी किया, वैसे हम अब करेंगे हाउ टू ऐड इंटीजर्स. हमने इंटीजर्स की एडिशन को कैसे परफॉर्म करना है. हमें पता है 2+2 तो 4 है, बट -2 + 3 क्या होगा, राइट? सो हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में प्लस करना है, नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करना है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये. ओके, ये हमारी एक्टिविटी आ जाती है, बटन एक्टिविटी. इसके बाद में जैसे हमने एडिशन के बारे में स्टडी किया, हम एडिशन को नंबर लाइन पर भी स्टडी करते हैं, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है. ओके, ये देखिए हमने एडिशन कर लिए. व्हाट इज़ एडिटिव इनवर्स, इसके बारे में भी स्टडी करते हैं हम, राइट? देन हमारी 6.2 में हमने एडिशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं. ओके, नंबर लाइन पर करेंगे नंबर लाइन. ओके, विदाउट नंबर लाइन भी आपके पास क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमने विदाउट नंबर लाइन एडिशन कैसे परफॉर्म करनी है. सो आपको बोथ फेज से आनी चाहिए. ओके, फाइंड द सम. सो दीज आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई वुड से. फोर्थ एंड फिफ्थ वन इज इम्पॉर्टेंट. जैसे हमने एडिशन को परफॉर्म किया, वैसे हम सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, अगेन विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन एंड डायरेक्टली. सो इसके बहुत ही सिंपल से और इंटरेस्टिंग रूल्स हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज. ओके, देखिए, देन हम अपने सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. ओके, जब आपने सब्ट्रैक्शन कर ली, तब हम कंपेयर भी कर सकते हैं इंटीजर्स को, बिकॉज हमने कंपेरिजन भी कर ली है. और तब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, जिसमें पॉजिटिव साइन भी है, नेगेटिव साइन भी है. सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके इंटीजर्स को, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका आगे हायर क्लासेस में भी यूज़ होता है. इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, सो दैट कि आपके बेसिक्स बिल्कुल स्ट्रांग रहे. डाउनलोड फन टू क्लास ऐप टू गिव योर चिल्ड्रन एन अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस.